नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी स्प्रिंटर पे। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे। ये देखिए, जीके सीरीज़ का 11वां पार्ट है और इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, इसके पहले 10 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं, तो उनको देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और एग्ज़ाम में उनके उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उनको देखिए और फिर इस वीडियो को भी देखिए, तो एक लिंक बना रहेगा ट्रिक्स का, और ट्रिक्स को जो है बार बार आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। हफ्ते में एक दो बार देखिए, तो उससे जो है ट्रिक कभी भूलेगी नहीं और ट्रिकों से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब करिए स्टडी सेंटर को, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज की ट्रिक। देखिए, विटामिन जो है, जितनी विटामिन है उनके रासायनिक नाम, देखिए रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रिक है, देखिए, रथ एक टॉफी, जितनी विटामिन है उनके रासायनिक नाम जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है, इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। देखिए, रथ एक टॉफी, विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा, र से हो जाएगा रेटिनॉल, और फिर बी का नाम हो जाएगा थ से थायमिन, सी का नाम हो जाएगा ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल, और के का नाम हो जाएगा फ्लिकोनिन। तो देखिए, यहाँ पे रथ एक टॉफी से बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, और फी से फ्लिकोनिन। तो ये विटामिन ए बी सी डी ई के सबका रासायनिक नाम इस ट्रिक से हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसको एक दो बार देखिए आप लोग, याद हो जाएगा, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये सब चीज़। आगे बढ़ेंगे अगली ट्रिक की तरफ। देखिए, इस ट्रिक में क्या है, जैन धर्म के जितने अनुयायी हुए हैं राजा, उनको देखते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है, काकू, काकू बहुत छोटी सी ट्रिक है। देखिए, इसमें इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, KAACU, तो काकू से क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, देखिए, कलिंग के नरेश क्या है, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, और फिर ए से हो जाएगा अजात शत्रु, और फिर ए से हो जाएगा अभोगवर्ष, और फिर सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और यू से हो जाएगा उदयन। तो ये काकू से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, नरेश, कलिंग के नरेश खारवेल, अजात शत्रु, अभोगवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन, इस ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं जैन धर्म के फॉलोअर कितने हुए हैं राजा। आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रिक देखते हैं। देखिए, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा से जो सदस्य थे अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको देखिए इस ट्रिक से याद करते हैं, इचगार्ड, इचगार्ड, देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक है ये, तो ई से क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, और च से हो जाएगा HD देवगौड़ा, और ग से हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, और ड से हो जाएगा डॉक्टर, ड्र से हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये इस गार्ड से चार प्रधानमंत्री के नाम आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये 3 ट्रिक ध्यान रखिए आप लोग, और भी ट्रिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी स्प्रिंटर को। जय हिंद।